हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कराने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से पाठ 15, जिसका नाम है आग की खोज। जी हाँ, इसका नाम है आग की खोज। बच्चों, यदि आपको अपना घर छोड़कर जंगलों और गुफाओं में रहना पड़े तो आप क्या करेंगे, क्या खाएंगे, अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, किन खोजों ने मानव के जीवन में परिवर्तन आरंभ किया, यदि हमारे पास आग ना हो तो हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर हमारे घर में माचिस नहीं होगी, हम आग नहीं जला पाएंगे, कितनी कठिनाई होगी, है ना। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर आदमी लाखों वर्षों से रह रहे थे। उस समय के आदमी आदि मानव कहलाते थे। उनका जीवन आज की तरह नहीं था। वे गुफाओं व जंगलों में रहते थे और फल फूल या जानवरों का शिकार करके खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने आग का प्रयोग करना सीखा। इस तरह मानव सभ्यता का विकास होता चला गया। आइए शुरू करते हैं। लाखों वर्ष पहले के मनुष्य पशु पक्षियों जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहा करते थे। इनका शरीर घने भालों से ढका रहता था। इनका मुंह और जबड़ा भी बड़ा होता था। सर्दी, गर्मी, वर्षा और हिंसक जानवरों से बचने के लिए इनके पास घर नहीं थे। ये पेड़ों, घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे और इन्हें आदि मानव कहते थे। इनको क्या बोलते थे? आदि मानव। एक बार ये देखो कितना बड़ा मुंह है, ये देखिए, और इनका जो ये इन्होंने अपने इनके जो शरीर है वो बालों से ढका हुआ है। एक बार एक आदि मानव शिकार करने जा रहा था। एक पत्थर बहुत बड़ा था तथा भारी था, जो उससे उठ नहीं पा रहा था। आदि मानव ने दूसरा पत्थर उठाकर उस पर प्रहार करना, उसको मारना शुरू कर दिया। प्रहार करते समय उसने ध्यान दिया कि पत्थर पर पत्थर मारते समय इनसे चिंगारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसे देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पत्थर पर पत्थर मारने से निकली चिंगारी अचानक पास पड़ी सूखी घास पर जा गिरी, जिससे घास जलने लगी। घास के जलने से उसे ताप यानी गर्मी का अनुभव हुआ और प्रकाश का भी। अतः वह जान गया कि पत्थर से पत्थर रगड़ने पर आग उत्पन्न की जा सकती है। मतलब उसे पता चल गया कि अगर हम पत्थर से पत्थर रगड़ेंगे तो आग निकलेगी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह सूखी घास तथा पत्ते डालकर उसी आग को जलाए रखता। उसने उसे बुझने नहीं दिया। आग अब उत्पन्न हो चुकी थी। संयोगवश एक दिन उससे आग में मांस का टुकड़ा गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया तो उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि वह पक गया था, कच्चा नहीं था। अब तो इस आग को जलाए रखने की इच्छा उसमें और प्रबल यानी कि और ज़्यादा हो गई, तेज हो गई। यह थी आग की खोज। आग का पता तो उसको चल गया, परंतु उसे जलाए रखना आदि मानव के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसने फिर से दो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा। इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। ठीक, उसकी प्रसन्नता बढ़ी। फिर उसने उन दोनों में से एक पत्थर में गड्ढा किया और एक खूंटी भी उसमें लगा दी। फिर उसने उस खूंटी को जोर से घुमाया। ये देखो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया पत्थरों की रगड़ से। मतलब एक उन्होंने कहा कि चलो ये तरकीब करके देखते हैं। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में जा गिरी। उसने समझ लिया कि इन दो पत्थरों की रगड़ से आग कभी भी पैदा की जा सकती है। वह उनको बड़ी सावधानी से बहुत संभाल के रखने लगा। ये पत्थर चकमक पत्थर थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। लोग आज भी इस प्रयोग को काम में लाते हैं। मतलब आज भी इसको काम में लाया जाता है। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को गोले के टुकड़े से रगड़कर आग पैदा कर लेते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सिलाई का आविष्कार हुआ, माचिस का। दिया सिलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा शहर में दिया सिलाई का एक महत्वपूर्ण कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम। आज तो हम कितने आराम से गैस जला दिए, लाइटर से किया, लाइटर से आग जल गई, है ना। माचिस है, अब तो कितना आसानी हो गई है, लेकिन पहले कितना मुश्किल था। अब
हम उसे कोई महत्व नहीं देते, परंतु जब हम ये सोचते हैं कि आग ना होती तो हम क्या करते, तब इसकी खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपने देखा बच्चों कि आग की खोज कैसी हुई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आदि मानव ने आग की शुरुआत करी, है ना। और अब हम चलते हैं कठिन शब्द, मनुष्य, प्रहार, उत्पन्न, आविष्कार, जबड़ा, आरंभ, प्रसन्न, दिया, सिलाई, हिंसक, चिंगारियां, संयोगवश, महत्वपूर्ण, गुफाओं, आश्चर्य, गड्ढा, प्रकृति, आदि मानव, अनुभव, बांस और विजय। हिंसक यानी मारने वाला, हिंसा करने वाला, प्रहार का अर्थ है चोट, स्वादिष्ट, अच्छे स्वाद का, प्रबल का अर्थ है तीव्र या तेज, आविष्कार यानी खोज, विजय, जीत, आदि मानव, पृथ्वी के आरंभिक मनुष्य, संयोगवश, किसी काम का अचानक स्वयं ही हो जाना, सरलता, आसानी और प्रकृति यानी कि कुदरत। और अब हम चलते हैं, हमसे पूछा है सबसे पहले लाखों वर्ष पहले के मनुष्य कहाँ रहते थे। लाखों वर्ष के पहले के मनुष्य जंगल में रहते थे। इन आरंभिक मानवों को क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था आदि मानव। एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से प्रहार करते समय क्या उत्पन्न हुआ जिसे देख के आदि मानव को आश्चर्य हुआ। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर प्रहार किया तो चिंगारियां निकली और आदि मानव को बहुत आश्चर्य हुआ कि इसमें से आग की चिंगारियां निकली हैं। आग जलाने के लिए आप क्या करते हैं, आग जलाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, दिया सिलाई से जलाती हैं या लाइटर से जलाते हैं। और अब क्या है, अब हमारे पास है सही विकल्प, पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। आदि मानव का शरीर किससे ढका रहता था, पेड़ के पत्तों से, जानवर की खाल से, घने बालों से या कपड़ों से। उसका शरीर ढका रहता था घने बालों से। पत्थर पर पत्थर रगड़ने से क्या उत्पन्न हुआ, चिंगारी, आवाज, पानी या बिजली। पत्थर पर रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न हुई। आग को जलाए रखने के लिए आदि मानव उसमें क्या डालता था, सूखे पत्ते व घास, सूखे फल, सूखे कपड़े या बड़े बड़े पेड़। वो डालता था सूखे पत्ते व घास। राजस्थान के कोटा शहर में किस चीज़ का महत्वपूर्ण कारखाना है, कलपुर्जों का, रेल इंजन का, दिया सिलाई का या हवाई जहाज बनाने का। दिया सिलाई का जो है वो कारखाना है। और अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, और बच्चों अब हम करने जा रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। सबसे पहले है आदि मानव का मुंह और जबड़ा बहुत बड़ा होता था। के जलने से आदि मानव को क्या जलने से, आग के जलने से आदि मानव को ताप यानी कि गर्मी का अनुभव हुआ। संयोगवश एक दिन उसमें किसमें आग में मांस का टुकड़ा गिर गया। आग को जलते रहना आदि मानव के लिए बहुत बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, और अब हम करने जा रहे हैं सही के सामने गलत और गलत के सामने सही, के सामने सही और गलत के सामने गलत। लाखों वर्ष पहले के मनुष्य जंगलों में रहा करते थे, बिल्कुल सही है। आदि मानवों के पास घर नहीं होते थे, बिल्कुल सही है, उनके पास घर नहीं थे। पत्थर पर घास रगड़ने से, जी नहीं, पत्थर पर घास रगड़ने से नहीं, पत्थर पर पत्थर रगड़ने से। आग जलाना वर्तमान समय में आसान हो चुका है, जी हाँ बिल्कुल आसान हो चुका है। जयपुर में दिया सिलाई का नहीं, जयपुर में नहीं बल्कि कोटा में दिया सिलाई का कारखाना है, तो ये गलत है। तो हमने यहाँ पे सही और गलत के चिन्ह लगा दिए। और अब हम चल रहे हैं कहाँ पे, अब हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। आदि मानव ने पत्थर पर पत्थर क्यों मारा, क्योंकि वो पत्थर को तोड़ रहा था तो उसे पत्थर को उठा रहा था उसने उस पत्थर को तोड़ा, इसलिए उसने पत्थर पर पत्थर मारा, क्योंकि वो पत्थर को उठा रहा था तो उठा नहीं तो इसलिए उसने पत्थर को तोड़ना शुरू करा। घास के जलने से आदि मानव को कैसा हुआ, घास के जलने से आदि मानव को ताप का अनुभव यानी कि उसे गर्मी का एहसास हुआ। कौन से पत्थर से आग शीघ्रता से उत्पन्न होती है, चकमक पत्थर से आग शीघ्रता से उत्पन्न होती है। लोग आज भी आग जलाने के लिए किसका प्रयोग करते, लोग आज भी आग जलाने के लिए दिया सिलाई, लाइटर और चकमक पत्थर का प्रयोग आज भी करते हैं। प्रकृति पर मनुष्य की कौन सी बहुत बड़ी जीत है, प्रकृति पर मनुष्य की कौन सी जीत है, वो है आग का
आविष्कार करना, वो सबसे बड़ी जीत है कि आपका आविष्कार मनुष्य ने किया। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट समाप्त होता है। आभार।